बात कर रहे हैं सूरत बड़जात्या के बेटे की। दरअसल सूरत बड़जात्या के बेटे सलमान खान को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, लेकिन सलमान खान बैक टू बैक रेस 3 भारत के 2 और दबंग 3 में उलझे हुए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो अवनीश बड़जात्या पिछले साल ही फिल्म शुरू करना चाहते थे, लेकिन सलमान डेट सी नहीं दे पाए। लिहाजा अब अवनीश चाहते हैं कि सलमान जल्द ही अपनी फिल्मों से फ्री हो जाएं, ताकि वे अपनी डेब्यू फिल्म शुरू कर सकें। रेस 3 में सलमान खान पहली बार निगेटिव रोल में दिखेंगे। फिल्म 2018 ईद पर रिलीज होगी। निर्देशन करेंगे रेमो डिसूजा। अली अब्बास जफर के साथ सलमान खान की तीसरी फिल्म आएगी भारत। ये 2019 ईद पर रिलीज होने वाली है। किक 2 की रिलीज डेट का खुलासा भी हो चुका है। फिल्म 2019 क्रिसमस पर रिलीज हो रही है। फिल्म का निर्देशन साजिद नडियाडवाला कर रहे हैं। सलमान खान की यह फिल्म धमाका करने के लिए तैयार है। फिलहाल फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम किया जा रहा है। अरबाज खान के मुताबिक जैसे ही सलमान खान बाकी फिल्मों से फ्री हो जाएंगे, दबंग 3 पर काम शुरू हो जाएगा। फिल्म का निर्देशन प्रभुदेवा करेंगे। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।